YouTube चैनल फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से घर बैठे बैठे ही अपने बालों को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, लॉन्ग और शाइनिंग बना सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपके बाल भी रूखे सूखे बेजान हैं? आपके बाल की ग्रोथ बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, आपके बालों की जड़ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है, तो आज का ये नुस्खा खास आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये इस नुस्खे को बनाने में बहुत ही ज्यादा इजी है और इसको लगाने में बहुत ही ज्यादा इजी है। आप इजीली अपने घर पर इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर एक मीडियम साइज की प्याज लेंगे और एक मीडियम साइज का आलू। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप मीडियम साइज की दो प्याज ले सकते हैं, और अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप एक मीडियम साइज की प्याज का ही यूज कीजिए, और आलू आपको एक ही मीडियम साइज का लेना है। फ्रेंड्स, हमें जो यहाँ पे इन दोनों की रस की जरूरत है, तो हम सबसे पहले इन दोनों चीजों को कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेज में। तो हम इन दोनों चीजों को कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेज में। आप देख सकते हैं मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और अब हम पोटैटो के भी यानी आलू के छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने आलू के भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो इससे भी छोटे पीसेस कर सकते हैं, या फिर इससे बड़े भी पीसेस आप कर सकते हैं। और अब हम इन दोनों को ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसको जार में डाल देते हैं और इनको ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इनका एक मैंने पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं आपको इस तरीके का इसका पेस्ट बना लेना है, और अब हम इसका जूस निकाल देंगे इसको छान कर। अब हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे और छन्नी की मदद से अब हम इसको अच्छे से इसका रस निकाल लेंगे। तो अब हम इसको छान लेते हैं। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आलू और प्याज का रस निकाल कर रेडी कर लिया है, और अब हम इसमें सिर्फ एक चीज मिलाएंगे, कोकोनट ऑयल। फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल भी हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। बालों की जड़ों को मजबूत करता है, आपके बालों के अंदर से सफाई करता है, बालों से डैंड्रफ को हटाने में दूर करता है, बालों को घना, लंबा और चमकदार भी बनाता है। ये आपके बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस कोकोनट ऑयल को मिक्स कर देते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, देखिए। फ्रेंड्स, प्याज में मौजूद सल्फर बालों को जरूरी पोषण देता है, जिससे बालों के विकास में मदद मिलती है। प्याज का रस आपके बालों की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही आपके नए बाल उगाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, आलू में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने में मदद करते हैं, आपके बालों के अंदर से सफाई करते हैं। आलू का रस आपके बालों को चमकदार बनाता है, आपके बालों की लंबाई को बढ़ाता है, आपके बाल को स्ट्रॉन्ग, स्मूथ और शाइनिंग भी बनाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से अपने बालों में अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आपको इसे कॉटन की सहायता से अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले अपने हेयर को वॉश कर लेना है। आप चाहे तो सोने से पहले या फिर नहाने से पहले भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इस कॉटन को इसमें अच्छी तरह से डिप करना है। डिप करने के बाद आपको अपनी बालों की जड़ों में यानी कि स्कैल्प में अच्छी तरह से अप्लाई करना है इसको। आपको इसकी मसाज करनी है अपने बालों की जड़ों में 5 मिनट तक। फ्रेंड्स, क्योंकि मसाज ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि मसाज से ये आपके बालों की जड़ों तक जाता है और आपके बालों की जड़ों को अंदर मजबूत बनाता है, आपके बालों के अंदर से सफाई करता है, बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है,
और नए बाल उगाने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो आप 5 मिनट तक अपने बालों के स्कैल्प यानी कि जड़ों में अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए। आप चाहें तो इसे अपने पूरे बालों में भी यूज कर लीजिए। 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आप इसको अपने बालों में 1 घंटे के लिए लगे रहने दीजिए। उसके बाद आप किसी शैम्पू की मदद से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है आपके बालों के लिए, बहुत ही अच्छे आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे और इसको बनाना भी बहुत ही ज्यादा इजी है, तो आप इसे जरूर यूज कीजिएगा। तो आपको इसे इस तरीके से अपने बालों में अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आप इस नुस्खे को जरूर यूज कीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे पोषण देगी जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है आपके बालों के लिए। आप इसे बहुत ही इजीली अपने घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं और आप इसे वीक में 3 से 4 बार जरूर यूज कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी अच्छी रेमेडी, आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको इसका रिजल्ट किस तरीके का मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।